नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उपराजधानी दुमका के सरैया हाट में सीपीआई हजारीबाग के पूर्व सांसद भूमेश्वर मेहता, सहायक सचिव महेंद्र पाठक और जिला मंत्री अर्जुन यादव का सरैया हाट प्रखंड के ग्राम कुरमा हाट में सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं पूर्व सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार और राज्य सरकार को नियोजन नीति पर जमकर कोसा। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि जगह जगह बैठकर पार्टी को मजबूती प्रदान करें, दिशा में काम करें। अब समय आ गया है लाल झंडा उठाने का। वहीं कार्यकर्ताओं ने लाल सलाम के नारे भी लगाए। इस कार्यक्रम में दुमका जिला महामंत्री शंभू मोहाली, प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र हेब्रम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है। हम आंदोलन करते हैं किसानों को लेकर के। अभी किसानों का आंदोलन हुआ, हमारा ऑल इंडिया किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब यूपी बॉर्डर में गाजीपुर में किसानों का धरना हो रहा था, हमारे लाल झंडा समर्थित जो किसान सभा है, ऑल इंडिया किसान सभा, उसके भी हजारों लोग रोज धरना दे रहे थे। लगातार एक साल तक धरना देते रहे। हम किसी से पीछे नहीं रहे। हम किसानों के मांग के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के मांग को लड़ते हैं। आप सभी जानते हो ये ट्रक यूनियन है पूरे देश में, और हम लाल झंडा के नेतृत्व में तमाम मजदूरों की लड़ाई को लड़ते हैं। आज क्या है, झारखंड में बहुत हम लोगों ने सोच समझ के झारखंड आंदोलन किया। 1992 के बाद जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे लोग आंदोलन छोड़ दिया, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला लिया और लेकर के छोटनागपुर और संथाल प्रणाम को मिला करके अलग राज्य बनाने का आंदोलन किया। लाखों लोगों की भीड़ होती थी उसमें। 98 में लगभग 10 लाख की भीड़ मोराबादी मैदान में हुआ। उसमें मोराबादी मैदान में स्टेडियम नहीं बना हुआ था, लेकिन जो झारखंड बनने के बाद झारखंड के लोगों की जो आकांक्षा थी, जो उम्मीदें थी, वह खत्म हो गया। आज तक विस्थापन नीति नहीं बना, लोग विस्थापित हो रहे हैं। लगभग 45 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और जो प्रभावित हुए उनकी संख्या लेकर के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। आज तक 22वां बरस जा रहा है झारखंड आंदोलन, नियोजन नीति नहीं बनी। यहाँ के बेरोजगारों को कैसे काम मिले, इसकी गारंटी नहीं हुई। हमने लड़ा था 1980 में, लड़ करके कानून बनाया था कि थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलेगा, लेकिन वो प्राथमिकता नहीं मिली। आज बाहरी लोग फिर बहाल हो रहे हैं और यहाँ के बेरोजगार पढ़ लिख करके दर की ठोकरे खा रहे हैं। हम लगातार इसको लेकर चार लोगों ने शुरू किया है, विस्थापितों को लेकर के, नौजवानों को रोजी रोटी और रोजगार को लेकर के, मजदूरों के सवाल को लेकर के, हम दलित और आदिवासियों के सवाल को लेकर के लगातार आंदोलन शुरू किया है। हम चाहते हैं आप अपने इलाके में भी गाँव में लाल झंडा को फैला दो। ऑल इंडिया किसान सभा का मेम्बर बनाओ, किसानों को यूथ का मेम्बर बनाओ और पूरी ताकत के साथ लाल झंडा का एक सैलाब पूरे इलाके में फैला दो, फिर हम आपके बीच आएंगे। हमें भी कहा है आपके प्रभारी जिला सचिव मोहाली से कि सरैया हाट में पड़ेगा, सरैया हाट में आप पहले जुलूस निकालो, प्रदर्शन करो, धरना दो। मैं यदि आऊँगा तो हमारा नौजवान साथी जो हमारा राज्य का सहायक सचिव है महेंद्र पाठक आएंगे। हमें जरूरत पड़ेगा तो मैं भी आऊँगा और आप लोग के उत्साह को आगे बढ़ाऊँगा। आप लोग से यही उम्मीद है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को गांव-गांव में मजबूत करो। इसी के साथ हम क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ राज कमेटी की ओर से आपका क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ अपना कहना समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। सर, आज के इस सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी, देवघर के जिला सचिव अर्जुन यादव जी, दुमका जिला के प्रभारी साथी महले जी, उपस्थित नौजवान साथियों, अभी देश के अंदर लाल झंडे की ज़रूरत है, राज्य के अंदर भी लाल झंडे की ज़रूरत है। अगर लाल झंडा न होगा तो आने वाले जो दिन होगा बहुत अलग तरह का होगा। जिस तरह से कॉरपोरेट घराने यहाँ पर काबिज हो रहे हैं, किसानों की ज़मीन लूटी जा रही है, और जो सरकार हमारे राज्य की भी सरकार है
वह किसानों से कोई लेना देना उनको नहीं है। वैसी परिस्थिति में अगर लाल झंडा सड़कों पर नहीं निकलेगा तो ये जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो आवारा हो जाएंगे। उन पर अंकुश लगाने के लिए हमें लाल झंडा को थामना होगा, और जब लाल झंडा को हम थामेंगे और अपनी समस्याओं को लेकर के सड़कों पर जब हम उतरेंगे तो सरकार पर हम अंकुश लगा सकते हैं। भ्रष्ट जो कॉरपोरेट है, भ्रष्ट जो ये व्यवस्था है, उसके पर हम अंकुश लगा सकते हैं। अभी जो आने वाले जो दिन है, उस आने वाले दिन में लाल झंडा का ही दिन होगा, समाजवाद का ही दिन होगा। इसलिए हम तमाम नौजवानों से, साथियों से, किसान मजदूर भाइयों से आग्रह करना चाहेंगे कि लाल झंडा को मजबूत कीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत कीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी अगर मजबूत होगा तो देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान मजबूत होगा। और जिस तरह से देश के अंदर पूंजीपतियों के राज चल रहा है और सरकार उसके इशारे पर नाच रही है, देश राज्य के अंदर भी जिस तरह से खनिज संपदाओं की लूट मचा हुआ है, अगर उस पर हम अंकुश नहीं लगाएंगे तो आने वाले दिन जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो बाल बच्चे हैं, उनके जो मुंह की जो लाली है वह छीना जाएगा। उसको बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बाल बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए हमें लाल झंडे को मजबूत करना होगा। इसी के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।